Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you are watching your favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 4th of August 2020 और आज का जो डॉन एडिटोरियल है दैट्स अबाउट कश्मीर रेपरेशन, कश्मीर के ऊपर जो कब्जा किया हुआ इंडियंस ने, ये जो लास्ट ईयर 5th ऑफ अगस्त को हुआ था जिसमें आर्टिकल 370 पास किया गया नरेंद्र मोदी की जानिब से, उसके बारे में डिटेल है कि उसका रिएक्शन क्या हुआ, उनका मकसद क्या था और कैसे वो मुसलमानों को माइनॉरिटी जाहिर करके कश्मीर जो है उसको ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम गोना स्टार्ट इट. वन ईयर आफ्टर इंडियाज revocation of articles 370 and 35A, the situation in India held Kashmir remains a powder keg of anger and repression. एक साल गुजरने के बाद इंडिया ने जो अपना ही हुक्म था, यानी उससे पहले उन्होंने आर्टिकल 370 एक्सेप्ट किया हुआ था, उसी की जब उन्होंने नाफरमानी की और आर्टिकल 35A की नाफरमानी की, तो इंडिया जो हेल्ड कश्मीर, जो सिचुएशन है इंडिया हेल्ड कश्मीर में, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की साबित हुई उस गुस्से की वजह से और उस दबाव की वजह से. Ravaged by a brutal curfew that included complete shutting down of internet services, Kashmir today continues to suffocate under unprecedented military presence. ये जो तबाही हुई है, ये जो रेवेज हुई है इतनी ब्रूटल कर्फ्यू की वजह से, जिसमें एक कंप्लीट शट डाउन किया गया, जिसमें हत्ता के इंटरनेट की सर्विसेज भी ख़त्म कर दी गई, मुअत्तल कर दी गई, कश्मीर आज जो है इस अनईक्वल किस्म के मिलिट्री प्रेजेंस में जो है बहुत ज़्यादा सफोकेशन कंडीशन में है. यानी सफोकेट क्या कहा जाता है, जिसमें आपकी कंडीशन हो, यानी आपका दम घुट रहा हो, मुश्किल में हो आप. The Hindus super masist government of BJP led by Prime Minister Narendra Modi had boasted on August 5 last year that the annexation of Kashmir would bring peace and prosperity to the people of the region. इन्होंने क्या किया, इनके जो हिंदू सुप्रीमेस्ट हैं, उन्होंने गवर्नमेंट है जो बीजेपी एक है जिसको लेड किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ज़रिए, उन्होंने लास्ट ईयर 5 अगस्त को कश्मीर को ये कह के इसके ऊपर दबोचने की कोशिश की कि अब हम जो है इस खत्े में जो है पीस और प्रॉस्पिरिटी लोगों के लिए लेके आएंगे. A year later, all such predictions have proved wrong. और एक साल के बाद इस तरह की जितनी भी predictions थी ना, जितनी भी इन्होंने इस तरह की बातें की थी, वो सारी की सारी गलत साबित हुई. Thousands of Kashmiris have been imprisoned, tortured and made to disappear, and yet the population remains defiant. हज़ारों की तादाद में कश्मीरी जो हैं उनको जेल में भेजा गया, उन पर टॉर्चर किए गए और उनको गायब कर दिया गया, और अभी तक वहाँ की आबादी जो है वो रिजिस्ट कर रही है, अभी तक भी उन्होंने रिजिस्ट करना छोड़ा नहीं है. There is hardly any doubt that Mr. Modi's real objective in revoking IHK's special status as a semi-autonomous region under Article 370 was to bring about demographic change there. ये इसमें कोई छुपी ढकी बात नहीं है कि मिस्टर मोदी का जो असल मकसद है वो सिर्फ IHK special status को रिवोक करना था, और उस रीजन में Article 370 जो है उसको लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफिक चेंजेस थी. Since last year, the government has aggressively promoted migration of Hindus to IHK through various incentives. पिछले साल से अगर आप देखते जाए तो गवर्नमेंट जो है वो बड़े अग्रेसिवली तरीके से प्रमोट कर रही है कि हिंदूज जो है उनको कश्मीर में डिफरेंट और वेरियस इंसेंटिव्स के थ्रू उनको दे के वहाँ पर भेजा जा रहा है. इन द लॉन्ग रन अगर ये लंबे अरसे के लिए बात करें, द बीजेपी वॉन्ट्स टू कन्वर्ट द मुस्लिम कश्मीर पॉपुलेशन इन टू ए माइनॉरिटी ऑन इट्स ओन लैंड. बीजेपी का असल मकसद यही है कि वो मुसलमान जो कश्मीरी हैं, उनकी जो आबादी है, उनको उनकी अपनी ही ज़मीन के ऊपर माइनॉरिटी साबित करना चाहते हैं. दिस पॉलिसी हैज़ कंटिन्यू टू अनफोल्ड इन ऑक्यूपाइड टेरिटरी सिंस अगस्त लास्ट ईयर अंडर द शैडो ऑफ इंडियन गन्स. और ये जो इन्होंने ये काम स्टार्ट किया है, ये तकरीबन पिछले साल से इंडिया के बंदूकों के नीचे जो है उन्होंने जो ये ऑक्यूपाइड हमारा कश्मीर है उसमें ये पॉलिसी जो है उसको अनफोल्ड करने की कोशिश की है. बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्लाइंट इंडियन मीडिया कंटिन्यू टू क्लेम द नॉर्मेलसी. अच्छा, ये नॉर्मेलसी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, नॉर्मेलिटी या नॉर्मेलसी दोनों सेम वर्ड हैं. हैज़ रिटर्न टू कश्मीर बट नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रुथ. अगर आप देखा जाए गवर्नमेंट की अगर बात की जाए और साथ साथ इंडियन मीडिया की बात की जाए, तो वो फ़ौरन किसी चीज़ से मुतासर हो जाते हैं, बड़े प्लाइंट किस्म के हैं. वो क्लेम कर रहे हैं कि जी बड़ा नॉर्मली हम जो है कश्मीर जो है वो बड़ा नॉर्मल है उनके लिए, बट नथिंग कुड बी फार्दर फ्रॉम द ट्रुथ. लेकिन कोई भी चीज़ जो है ना वो सच्चाई के करीब नहीं है, सच्चाई से ये बातें बहुत दूर हैं. A large number of Kashmiri leaders, एक बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी लीडर्स, including the pro-Indian ones, जिनमें pro-Indians भी हैं, remain incarcerated. उनमें बहुत ज़्यादा अभी भी जो हैं बेचारे जेलों में हैं. Freedom of movement is severely curtailed and independent media cannot get access to the region. ये जो freedom of movement है ये बहुत ज़्यादा हद तक इसको दबा दिया गया है, और जो मीडिया की इंडिपेंडेंट है उसे ज़रा भी वहाँ पर आज़ादी नहीं है. Draconian measures like a communication blackout are routinely used to clamp down on resistance. ये जो ज़बरदस्त ड्रैकोनियन, जैसे हमने पिछले आर्टिकल में मैंने एक्सप्लेन किया था,
ये बहुत ही जुल्म व जबर के साथ ये जो इन्होंने मैज़ वहाँ पे लगाए हैं, इसमें कम्युनिकेशन ब्लैकआउट जो है ये रूटीनली तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो रेजिस्टेंस है ना उसको क्लैंप डाउन कर दिया जाए, उसको दबाव उस पर दबाव डाला जा सके। हॉरेंडस इंसिडेंट्स ऑफ बीटिंग एंड कस्टोडियल किलिंग्स ऑफ कश्मीरीज इंक्लूडिंग यंग बॉयज़ बाय द ऑक्यूपाइंग फोर्स आर कॉमन प्लेस। ये आप आम से देख सकते हैं कि कितनी खौफनाक किस्म के इंसिडेंट्स आपके सामने आते हैं जिसमें उनको कश्मीरियों को बड़ी बुरी तरह से बेदर्दी से कत्ल किया जाता है, मारपीट की जाती है, जिसमें जवान बॉयज़ भी शामिल हैं। ये चीज़ें जो हैं ऑक्यूपाइंग फोर्सेज के सामने बिल्कुल नॉर्मल हैं और आप डेली बेसिस पे देखते हैं। द हार्ट रेंचिंग इमेज ऑफ इन्फेनिट सिटिंग ऑन द डेड बॉडी ऑफ हिज ग्रैंड फादर स्लेन बाय इंडियन सोल्जर इज ओनली वन इलस्ट्रेशन ऑफ द ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायोलेशन बींग परपिट्रेटेड बाय द इंडियन ऑक्यूपाइंग फोर्सेज। एक बहुत ही जो दिल को चीर देने वाला इमेज आया जिसमें एक छोटा सा दूध पीता बच्चा जो है अपने दादाजी की जो मैयत है उसके ऊपर बैठा है जिसको इंडियन सोल्जर्स ने कत्ल किया है। तो ये सबसे बड़ी एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि कवानीन को तोड़ने वाले ह्यूमन राइट्स की किस तरह किस बेदर्दी के साथ वायलेशन करें। और ये लोग सब के सब कौन हैं, आपको आप जानते हैं कि इंडियन ऑक्यूपाइंग फोर्सेज हैं। द एनेक्सेशन ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर हैज़ ऑल्सो हैड अ डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द लिवलीहुड्स ऑफ पीपल। ये जो इसके ऊपर दबाव है ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर, इसने जो लोगों की ज़िंदगी गुजारने का तरीका है उसको भी तबाह करके रख दिया है। द इन्फ्लक्स ऑफ आउटसाइडर्स इन टू द रीजन हैज़ पुट अ स्ट्रेन ऑन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्राम लोकल्स हु ऑलरेडी हैव सफर्ड द लॉट ऑफ द लॉस ऑफ अर्निंग्स अंडर द ब्लैंकेट कर्फ्यू दैट वॉज इम्पोज्ड प्रियर टू द एनेक्सेशन लास्ट ईयर। इन्फ्लक्स का मतलब होता है लोगों को बहुत बड़ी तादाद में जो आउटसाइडर्स का अंदर आना है इस रीजन में, उसने और मुसीबतें बढ़ा दी हैं जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं और लोग जो बेचारे पहले ही सफरिंग कर रहे हैं अर्निंग्स के हवाले से, अब वो इस ये जो ब्लैंकेट कर्फ्यू इसके नीचे जो है जो पिछले साल लगाया गया उसमें और ज़्यादा दब गए हैं। द मच टाउटेड ये जो बड़ी तारीफ की गई थी इन्वेस्टमेंट की कि हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है कॉन्फ्रेंस की दैट वाज टू बी हेल्ड इन कश्मीर इज़ येट टू सी द लाइट ऑफ द डे, जिसके बारे में इन गवर्नमेंट ने कहा कि हमने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की है उस पर तो अभी रोशनी नहीं पड़ी, वो चीज़ें सिर्फ बातें ही बातें हैं। कोविड 19 हैज़ added another adverse factor in the lives of people while providing security forces an excuse for further clamping down on movement. COVID-19 ki agar baat kare to isne logon ki mushkilat mein aur zyada izafa kar diya hai aur security forces jo hai unko ek excuse de diya hai ki wo apne jo clamping down hai uski movement ko jari rakhein. Occupied Kashmir is on the brink of a political, demographic and financial disaster. Occupied Kashmir jo hai wo is waqt is jisme political, demographic aur financial disaster hai uske edge pe hai, uske kinare pe hai. Pakistan should undertake every effort feasible to highlight the situation and mount pressure on India to reverse the disastrous decision of revoking the special status of Kashmir. पाकिस्तान को इस वक्त क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को अंडरटेक करना चाहिए कि वो हर फिजिबल कोशिश करे जिसमें वो इस सिचुएशन को हाईलाइट करे और कश्मीर इंडिया के ऊपर अपना प्रेशर दे कि उसको ये जो उसने ये फैसला किया है ना, ये डिजास्ट्रस फैसला है, तबाहकुन जो फैसला है उसे वापस जाना चाहिए कि उन्हें कश्मीर को उसका स्पेशल स्टेटस जो है वो वापस कर देना चाहिए। इंडिया मस्ट नॉट बी अलाउड टू गेट अवे विद दिस ट्रावेसिटी। ये जो मिसरिप्रेजेंटेशन है ना, यानी जो गलत बयानी है, इंडिया कभी भी उसको इजाज़त नहीं देनी चाहिए इंडिया को कि वो लोगों के ऊपर ये डाले। दिस मैसेज शुड रेजोनेट लाउड एंड क्लियर ऑन अगस्त 5 को ये मैसेज जो है बहुत ज़्यादा गूंजदार और क्लियर आवाज़ में दुनिया जो है उस तक हमें पहुंचाना चाहिए। ये आज का एडिटोरियल है। आपको पता है एक साल गुजरने वाला है एक दिन के बाद। क्वेश्चन ये है कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय गवर्नमेंट टू सॉल्व दिस इशू इंस्टेंटली, कि गवर्नमेंट जो है उसको इंस्टेंटली बेसिस पे आपको क्या लगता है कि क्या स्टेप लेना चाहिए। आप अपनी जो आपकी राय है, आपका जो ओपिनियन है, आपका अपना ओपिनियन वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज की वोकैबुलरी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट वर्ड आया था रेवोकेशन। रेवोकेशन का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ डिक्री, यानी आपने कोई हुक्म खुद दिया और उसके बाद आप खुद उससे मुकर गए। फॉर दोज हु ब्रेक द लॉ रेवोकेशन ऑफ देयर लिक्वर लाइसेंस मे रिजल्ट। पाउडर केग की अगर बात की जाए तो इसका मतलब है खतरनाक हालत, डेंजरस सिचुएशन। द प्लेस हैड बीन अ पाउडर केग सिंस द अपराइजिंग। रेविज का मतलब रियूंड होता है, डेवस्टेटेड होता है, तबाह कर देना, ज़ाया कर देना। द हरिकेन रेविज साउदर्न फ्लोरिडा। अनप्रीसीडेंटेड का मतलब होता है अनइक्वल, यानी जो बराबर का ना हो, बराबरी के हकूक में ना हो। द गवर्नमेंट टुक द अनप्रीसीडेंटेड स्टेप टू रिलीजिंग कॉन्फिडेंशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। रिप्रेशन का मतलब होता है दबाव डालना, सप्रेस करना किसी को, आप किसी के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा दबाव डाल दिया, उसको बोलने नहीं दिया। स्टूडेंट स्पार्क्ड ऑफ इवेंट्स द एंडेड इन ब्रूटल रिप्रेशन। डेफियंट का मतलब होता है रेजिस्टेंस करना, यानी आप जो हैं उस चीज़ को आगे से उसका जवाब दे रहे हैं। अ डेफियंट गेस्चर वॉज शोड बाय द पब्लिक।
प्लायंट का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो फौरन से मुतासिर हो जाए, जैसे कि इंडियन मीडिया और प्राइम मिनिस्टर बुरी की बात हुई है, मोर प्लायंट प्राइम मिनिस्टर इज़ नीडेड। इनकैरसीडेटेड का मतलब होता है इम्प्रेजेंट, यानी जो बंदा कैद में हो, जेल में हो। मैनी आर इनकैरसीडेटेड इनकैरसीडेटेड फॉर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस। हॉरेंडस का मतलब होता है खौफनाक, हॉरिबल, ड्रावना। शी सफर्ड हॉरेंडस इंजरीज। इनफ्लक्स का मतलब वैसे फ्लड होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड का आ जाना, इनफ्लक्स कहा जाता है। अ मैसिव इनफ्लक्स ऑफ टूरिस्ट गैदर्ड देयर। ट्रेविस्टी का मतलब होता है मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी बात को गलत बयानी देना, गलत रंग से किसी को देना। द एब्सर्डली लीनियंट सेंटेंस इज़ अ ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस। एनेक्सेशन का मतलब होता है सीजर, यानी किसी चीज़ को कैद कर लेना, किसी को काबू कर लेना, किसी को दबोच लेना। द एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया बाय नाजी जर्मनी इन 1938 वॉज क्लियर। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज डॉन आर्टिकल। आप आज के लेट होने के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम आउट ऑफ टाउन एज यू नो, और इंशाल्लाह सी यू टुमारो। आप कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल जरूर दीजिएगा, साथ साथ आपका जो आज का ओपिनियन है वो जरूर मैंशन कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज लाइक माई वीडियोज़। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।